फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति। यहां पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर रजामंदी बनी है। वकालतनामे पर कराए गए पक्षकारों से हस्ताक्षर। आपको बता दें जफरयाब जुलानी भी नदवा परिसर में मौजूद हैं। कल AIMPLV की बैठक होनी है। बोर्ड की बैठक से पहले पक्षकार तैयार हुए हैं। आपको बता दें बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राम मंदिर मसले पर, उसके बाद AIMPLV की ये अहम बैठक होने जा रही है नदवा कॉलेज में। उससे पहले ये बैठक हो रही है AIMPLV की बैठक से पहले पक्षकारों की ये बैठक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति यहां पर जाहिर की गई है। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर रजामंदी पक्षकारों में बनती हुई नजर आ रही है। वकालतनामे पर पक्षकारों से साइन कराए गए हैं। जफरयाब जिलानी भी नदवा परिसर में मौजूद हैं, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को रख रहे थे। उन्होंने तब भी कहा था फैसले आने के बाद कि फैसले में आगे क्या कुछ करना है ये सोचेंगे, और जब AIMPLV की बैठक होनी है उससे पहले नदवा कॉलेज में ये अहम बैठक चल रही है, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं है। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर अब रजामंदी बनती हुई नजर आ रही है। वकालतनामे पर पक्षकारों से साइन भी कराए गए हैं। जो जब फैसला आया था 9 नवंबर को, उसके बाद ही मुस्लिम पक्षकारों में कहीं ना कहीं दबी जुबान ये बात थी कि वो फैसले से सहमत नहीं है। अब कल जब AIMPLV की बैठक होनी है उससे पहले मुस्लिम पक्षकारों के साथ नदवा कॉलेज में बैठक हुई है, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मुस्लिम पक्षकारों की मीटिंग में जफरयाब जुलानी, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला रख रहे थे, जो यहां पर पक्ष रख रहे थे, वो मौजूद हैं। वकालतनामे पर पक्षकारों से साइन भी कराए गए हैं। जफरयाब जुलानी भी नदवा परिसर में मौजूद हैं, जहां ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कल AIMPLV की अहम बैठक होनी है, लेकिन बोर्ड की बैठक से पहले यहां पर पक्षकार इस बात को लेकर सहमत नजर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ CV पांडे संविधान विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। CV पांडे जी, जिस तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, ये ऑप्शन था जरूर, लेकिन पहले ये बात सामने नहीं थी कि रिव्यू पिटीशन के लिए मुस्लिम पक्षकार जाएंगे, लेकिन अगर अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर रजामंदी जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? अब देखिये, रिव्यू पिटीशन तो किसी सबको अधिकार है, रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं जी, लेकिन रिव्यू पिटीशन का जो सिद्धांत है उसमें ये है कि कोई अगर फैसले में कोई ऐसी गलती हुई हो जो कि बहुत ही प्रत्यक्ष गलती हो, प्रत्यक्ष रूप से वो लगता हो कि फैसला देने में कोई गलती हो, तो वैसे मामलों में रिव्यू पिटीशन होता है। ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया है और इसमें संविधान में एक विशेष अधिकार दिया गया है, जो 142 का अनुच्छेद 142, जिसमें कि उन्होंने कानून से जो कानून की जो सहमति बनी उसके अलावा भी संपूर्ण न्याय देने के लिए वो उन्होंने अपने अधिकारों का, सुप्रीम कोर्ट ने कही कि विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ये फैसला दिया। तो जहां एक विशेषाधिकार देके और परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है, तो उसमें अगर कोई त्रुटि भी है तो यही माना जाएगा कि ये कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, न्याय करने के लिए ऐसा दिया है। तो ये शायद ये पहला मामला होगा जिसमें 142 अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें कोई रिव्यू पिटीशन कोई दाखिल किया कर रहा है। मामूली श्री पांडे जी, खास बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड था पक्षकार, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे लोग जाते हैं फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, तो क्या कोर्ट इसे लेगा? और क्या आपको लगता है इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन का भी जो ऑप्शन है वो भी जहन में होगा? देखिए, एक तो ये रिव्यू पिटीशन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, रिव्यू पिटीशन पहले सुप्रीम कोर्ट जज चैंबर सुनेंगे, चैंबर में उचित बातें हैं कि इसको कोर्ट में सुनवाई लायक है तब कोर्ट में सुनेंगे। मैं नहीं समझता कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन चल पाएगा। वैसे इन लोगों को भाई पर जो जो पक्ष आता है वो तो अपना हम कहेगा कि हम जाएंगे जी, क्यूरेटिव पिटीशन बाद में जब ये रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगा तो क्यूरेटिव पिटीशन के तो बहुत ही कम ग्राउंड मिलते हैं जी, और कोई ऐसा इसका प्रेसिडेंट नहीं है, पहली बार ये उनके सामने मामला आया इस तरह का, पहले का बहुत कोई ऐसा विवाद भी उनके सामने नहीं है जिसको दिखाएंगे साहब उस मामले में आपने ऐसा फैसला किया, उस मामले में बिल्कुल उम्मीद अब यही है कि रिव्यू पिटीशन के लिए यहाँ पर मुस्लिम पक्षकार जाएंगे जरूर, लेकिन उसे कोर्ट किस तरह से लेता है ये देखने वाली बात अहम होगी। तमाम जानकारी देने और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अहम खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।